हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपको टाइम स्टैम्प दिख रही है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो हमने इसकी एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन भी पढ़ी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इन पैरामीटर्स को सॉल्व करते हैं, राइट। वो भी वीडियो, ऑल्सो एक्सरसाइज 5.5 तक की वीडियोज, एज वेल एज यहाँ तक कि हमने जितने चैप्टर्स कवर कर लिए उन सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके पहले इसको थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रही हैं कि इफ़ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मतलब कि ये आपको एक एक्स की फॉर्म दे रखी है, एक वाई की फॉर्म दे रखी है और आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, अभी तक सबसे पहली फॉर्म हमने पढ़ी थी एक्सप्लिसिट फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्या था कि हमारे को y इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स इस टाइप के आपको फंक्शंस दिए होते थे, तो आप dy वाई बाई डी एक्स निकालते थे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते थे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग जाता, इसे हम एक्सप्लिसिट फॉर्म कहते थे। फिर आई आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या होता था कि इसके अंदर आपको मिक्स करके दे रखा था, जैसे कि x cos y प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वन, कुछ इस तरीके से कि एक इक्वेशन जिसके अंदर एक्स और वाई जो थे वो क्या थे, एक साथ थे, उसको डिफ्रेंशिएट हम करते थे और वहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। फिर हमने पढ़े थे कुछ स्पेशल फंक्शंस, स्पेशल या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में, जिसके अंदर हमने कुछ ऐसे पढ़ा कि वाई एक्स की पावर कॉस एक्स, कुछ इस तरीके के फंक्शंस हमने पढ़े जब हमने देखा वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वहाँ पे हमने लॉग लिया और लास्ट में हमने जब डिराइव करा उसको तो डी वाई बाई डी एक्स हमने वहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब जो आपके पास फंक्शंस आ रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं पैरामीट्रिकली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, एक्स अलग है वाई अलग है। मान लो एक्स आपको दे रखा है यहाँ पर कॉस थीटा और वाई आपको यहाँ पर दे रखा है मान लो साइन थीटा, और आपको बोला है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि एक्स के अंदर अब कौन सा वेरिएबल है, एक्स के अंदर थीटा वेरिएबल है, तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कॉस ये हो जाएगा कॉस डी थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का क्या बनेगी आपके पास डिफ्रेंशिएशन, क्या होती है इसकी डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन थीटा, और एंगल की दोबारा करते हैं तो डी थीटा बाय डी थीटा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो फाइनल क्या आया, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली जब वाई के लिए हम करेंगे तो वाई का भी जो आपके पास वेरिएबल है वो थीटा है, तो इसको भी आप थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ से आप निकालोगे डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का दोबारा करेंगे तो डी थीटा बाय डी थीटा दैट इज वन, दैट इज फाइनल आ गया कॉस थीटा। निकालना क्या है आपको, डी वाई बाय डी एक्स, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास कॉस थीटा और ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, लेफ्ट में बचा डी वाई बाय डी एक्स और राइट में माइनस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो इस तरीके से आपने विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, यानी कि थीटा को बिना एलिमिनेट करे आपने डी वाई बाय डी एक्स फाइंड कर लिया। वो यही बोल रहे हैं आपको कि आपको विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर आपने डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, ठीक है, करें स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, यहाँ पर पैरामीटर देखो क्या है, यहाँ पर तो 2a कांस्टेंट है, तो पैरामीटर क्या बचा आपके पास, टी, टी इज द पैरामीटर, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ 2a टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, डी एक्स बाय डी टी, 2a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
डी टी स्क्वायर अपॉन में डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे ऐसा होता डी एक्स की पावर एन डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या लगता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ एक्स की जगह पे क्या है, टी है, तो फॉर्मूला यही लगेगा, एन टी की पावर एन माइनस वन। और यहाँ पर टी की पावर टू है, तो क्या हो जाएगा, टू टी की पावर टू माइनस वन, दैट इज वन, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट टू टी आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू टू ए इंटू टू टी, दैट इज फोर ए टी निकल आया, ठीक है। सिमिलरली अब हम y के लिए करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर भी y के लिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पर भी ये a क्या है, कॉन्स्टेंट है, और t ही आपका वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ए टी की पावर फोर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी टी फोर, ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, किसका करेंगे, फोर का, तो अब फोर की रिस्पेक्ट में लिखो, फोर लिखेंगे तो फोर नीचे टी की पावर फोर माइनस वन, दैट इज फोर टी क्यूब, तो फोर टी क्यूब आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी क्या लिखोगे, फोर ए टी क्यूब आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं सेकेंड, तो डी वाई ऊपर होना चाहिए, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन, तो ये ऊपर आएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू फोर ए टी क्यूब डिवाइड में फोर ए टी। अब डी टी से डी टी कैंसिल, यहाँ से फोर ए कैंसिल, और यहाँ से एक टी कैंसिल, यहाँ पे बच गया टी स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में आया आपका डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में आया ओनली टी स्क्वायर, फोर ए से फोर ए कैंसिल, ऊपर टी क्यूब था, नीचे टी था, एक टी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आपके पास आंसर आ गया टी स्क्वायर। तो ये था आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन के अंदर भी सेम है आपके पास। अब सेकेंड में देखो क्या है, यहाँ पर अब ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो करो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर माइनस ए और साइन थीटा। अब थीटा का डिफ्रेंशिएशन फिर से थीटा से करेंगे, वो तो वन आएगा, ठीक, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। ऐसे ही वाई के लिए निकालते हैं, यहाँ पर भी थीटा वेरिएबल है, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, अब बी कॉन्स्टेंट है बाहर, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, अब बी है और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर और साइन थीटा, और डी थीटा दोबारा लिखेंगे तो सेम आ जाएगा, वन आएगा, तो ये आ गया, ठीक है। फाइनल क्या चाहिए आपको, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ये हो गई वन, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर डी थीटा से डी थीटा, तो फाइनल आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ओनली बी बाय ए, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर ये है, इसको देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर t है, ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट इसको t की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कर दो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ साइन t, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और टी आ जाएगा, और डी टी डी टी वन हो गया, तो ये आ गया डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, 60, ओके। फिर आता है वाई की डिफ्रेंशिएशन की बात,
ठीक है, यहाँ पर भी टी ही है तो इसको क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन हो गया, ठीक है, माइनस साइन हो गया और टू टी है तो ये हो गया माइनस का साइन टू टी। अब यहाँ पर सिर्फ टी नहीं है, टू टी है, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टू टी एक बार फिर से होगा, तो डी वाई बाई डी टी, अब टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये साइन टू टी एज इट इज, और क्या बचा, डी टी 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 बचा ओनली, तो टी का टी के साथ डिफ्रेंसिएशन वन आ जाएगा, तो यहाँ आ गया वन, तो एक ही बात है, वन चाहे ना भी लिखो, ठीक है। तो अब डी वाई बाई डी टी आ चुका है, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई सेकेंड, डिवाइडिंग टू बाय वन। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस टू साइन टू टी डिवाइड में कॉस टी। यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, बट यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ सेम एंगल है, ठीक है, बट हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है साइन टू टी का, क्या होता है, टू साइन टी कॉस टी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा ना, साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे टी हो गया, एक ही तो बात है, तो यहाँ लिखेंगे टू साइन टी कॉस टी, तो एक तो टू ऑलरेडी है ही, एक और टू आ जाएगा साइन टी कॉस टी, और नीचे क्या है, कॉस टी है, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का फोर साइन टी, यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ आ गया माइनस का फोर साइन टी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन थर्ड, चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहे हैं, अब आपके पास यहाँ पर भी टी ही है तो टी की ही रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो करो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ फोर टी, अब फोर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू फोर, अंदर क्या बचेगा, डी टी बाई डी टी, तो टी की रिस्पेक्ट में टी का डेरिवेटिव वन, तो फाइनल आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू फोर, जैसे हमने यहाँ किया था, टू टी था ना, तो टू बाहर आ गया था, टी का वन आ गया, तो वन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे वाई के लिए भी, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ फोर बाई टी, अब फोर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डी बाई डी टी किसका करना है, आपको वन बाई टी का करना है, तो इसका समझो वन बाई टी का हम कैसे करेंगे, देखो डी बाई डी टी ऑफ वन बाई टी, तो वन बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी की पावर माइनस वन, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बना, एन वाला फॉर्मूला बना, एन टी की पावर एन माइनस वन, तो अब एन क्या है, माइनस वन, टी की पावर माइनस वन माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन टी की पावर माइनस टू, तो माइनस वन माइनस एक तो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो माइनस वन बाई टी स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस वन बाई टी स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी टी, एक तो माइनस फोर यहाँ पे है ही, नीचे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है, तो अभी आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, डिवाइडिंग टू बाय वन, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस फोर बाई टी स्क्वायर अपॉन में फोर बाय वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर बाई टी स्क्वायर इन टू वन बाई फोर, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, माइनस वन बाई टी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में डी टी से डी टी कैंसिल, क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर थीटा वेरिएबल है ना, देखो एक्स के अंदर थीटा वेरिएबल है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो करो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये अलग अलग हैं तो अलग अलग करेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस टू थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस
का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और थीटा का दोबारा करेंगे वन आ जाएगा। सिमिलरली कॉस टू थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टू थीटा, अब यहाँ पर थीटा नहीं है टू थीटा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा, ठीक है। नेक्स्ट में माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन टू थीटा, अब इसका करेंगे तो टू कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है यहाँ पे आ जाएगा, और डी थीटा का क्या हो गया वन, तो वन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनल डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए वाई के लिए, राइट, तो वाई के लिए कर दो। अब वाई के लिए क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू, इसको भी सेपरेट सेपरेट करेंगे, डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, और थीटा का दोबारा करेंगे वन आ जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ करो साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा, अब यहाँ थीटा नहीं है टू थीटा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा, फिर से क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस, अब ये टू क्या है कॉन्स्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, और डी थीटा का क्या हो गया वन, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन, तो करो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा डिवाइड में, अब आगे माइनस मुझे अच्छा नहीं लगता तो हम यहाँ लिख देते हैं टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है। अब डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस टर्म कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा डिवाइड में टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो अब क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, अब फिर से ये एक्स है और फिर से ये वाई है, ठीक है, और इसके अंदर थीटा है, ठीक है, तो थीटा के ही रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो करो डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, अब डी बाय डी थीटा ऑफ दिस कंप्लीट टर्म थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अब ए तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा डी थीटा, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाय डी थीटा माइनस डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ठीक है, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू ए, और इसका रिस्पेक्ट में तो ये हो गया वन हो गया, ठीक है, माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और थीटा का दोबारा करेंगे वन, वो लिखने की नीड नहीं है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड के लिए करेंगे, अब हम यहाँ पर y है, यहाँ पर भी वेरिएबल थीटा है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा एंड डी बाई डी थीटा ऑफ ए वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अब यहाँ पर भी a जो है कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, राइट, किसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी बाई डी थीटा ऑफ वन प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, अब ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा, ये हो गया a, और वन का डिफ्रेंशिएशन वन इज अ कॉन्स्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, ठीक है, एंड कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का दोबारा से तो वन, अब ये आ गया माइनस ए साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास डी वाई बाय डी थीटा, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन, तो करो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन में ए वन माइनस कॉस थीटा, यही है। अब क्या करेंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर है माइनस साइन थीटा और नीचे है वन माइनस
कॉस थीटा, यहाँ से डी थीटा कैंसिल, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो, अब अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट ये मुझे इनकम्प्लीट सा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं पता, बट साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता है, दैट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये पता। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एंगल का हाफ कर देती हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एंगल का हाफ हो जाएगा, साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा की जगह पर ये पुट कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। सिमिलरली वन माइनस कॉस थीटा का मेरे पास फॉर्मूला नहीं होता, बट कॉस थीटा, कॉस टू थीटा का मेरे पास फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, एक और भी होता है, कौन सा? कॉस टू थीटा का एक और होता है, दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो, वन माइनस कॉस थीटा मुझे चाहिए, तो वन माइनस कैसे मिल सकता है मुझे? ये टर्म मैं इधर ले आऊं और ये टर्म मैं इधर ले आऊँ, वन माइनस कॉस टू थीटा, यहाँ से तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ऐसा ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, तो वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, बिकॉज हमारे पास वहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो तब हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था। यहाँ पे माइनस है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यानी कि थीटा का आधा कर दें, साइन स्क्वायर थीटा बाय टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए। तो हम न्यूमिरेटर में ये यूज़ कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में ये यूज़ कर रहे हैं, करें तो लिखो, ऊपर हम लिख देंगे टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, माइनस भी है, और नीचे आ रहा है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू से टू कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक तो माइनस आ रहा है, ऊपर आ रहा है कॉस थीटा बाय टू, नीचे आ रहा है साइन थीटा बाय टू। तो कॉस बाय साइन किसका फॉर्मूला होता है? कॉट का। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा बाय टू, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। सो हेयर क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज वेरी इम्पॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी है, इसको ध्यान से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आपको dy by dx ही फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल t है ना, तो हम पहले क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू साइन थ्री टी अपॉन में कॉस टू टी की पावर वन बाई टू लिख दूँ मैं, रूट का मतलब यही होता है। अब हम करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, अब t की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखो, ये फ्रैक्शन में है आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस, प्रोडक्ट में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, डिवीजन में होते हैं तो डिवीजन वाला रूल लगता है। तो डिवीजन वाला रूल याद करिए, क्या होता है डिवीजन वाला रूल, कि अगर आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन है डी यू बाई डी वी, ठीक है, तो क्या होता है, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ टू फंक्शंस यू बाई वी, ठीक है, तो क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, याद आया ये वाला, है ना? तो यहाँ पे हम वही करेंगे डिवीजन वाला। तो करो, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर, तो कॉस टू टी की पावर वन बाई टू इंटू टू, स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो गया। उसके बाद कॉस टू टी जो है ये एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्लियर? अब चलिए आगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू टू से टू कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ आ गया आपके पास कॉस टू टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कॉस टू टी की पावर वन बाई टू है ही ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो डी एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है,
ठीक है। उसके बाद अगर एक्स नहीं है यहाँ पर, कुछ और है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से होता है ना, उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से होता है। तो यहाँ पर पहले तो क्यूब है, तो क्यूब को हम ऐसे ओपन करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 3 sin 3 - 1, यानी कि साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स नहीं था, साइन है, तो यानी कि इसकी डिफ्रेंसिएशन फिर से होगी, साइन टी की डिफ्रेंसिएशन फिर से होगी, ठीक है। आगे चलिए, माइनस साइन क्यूब टी। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है कि अब 1/2 नीचे आएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से 1/2, और 1/2 - 1 वो -1/2 आएगा, और cos 2t के फिर से डिफ्रेंसिएशन होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटू 1/2 cos 2t / 1/2 - 1, दैट इज -1/2, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos t फिर से होगा, cos 2t फिर से होगा, ठीक है। ऐसे कर लिया, उसके बाद क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे dx/dt = डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, cos 2t, ये एज इट इज cos 2t की पावर 1/2, ठीक है, 3 sin² t एज इट इज। अब sin t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos t, तो यहाँ पे हम लिख देंगे into cos t, खत्म। और t का दोबारा करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, ठीक है, 1/2 अब ये -1/2 है, मतलब कि नीचे लेकर आएंगे हम इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2t की पावर 1/2, ठीक है, ये ऐसे आ गया, डिवाइड में आ गया, माइनस हटा दिया। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos t का क्या होगा, साइन टी, ठीक है, एक माइनस का साइन 2t, और 2t का डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, इसको ध्यान से देखिए, cos 2t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस का साइन 2t, और यहाँ पर t नहीं है, 2t है, तो 2t का डिफ्रेंसिएशन फिर से करेंगे, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 ओनली, और t कब करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2t की डिफ्रेंसिएशन से हमें 2 मिला। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो फाइनली हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम cos 2t की पावर 1/2 इंटू 3 sin² t इंटू cos t -± sin³t इंटू साइन 2t डिवाइड में cos 2t की पावर 1/2, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, cos 2t चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे 1 है, तो हम इनका ऊपर वाले का न्यूमरेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे हम, तो लो एलसीएम लो, नीचे तो cos 2t है ही, ऊपर वाले का एलसीएम लो, वो क्या आएगा, cos 2t की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, जब इसको इससे करेंगे तो cos 2t की पावर 1/2 आएगा, ऊपर जाएगा तो 1/2 + 1/2 एक हो जाएगी पावर, तो फाइनल क्या आ जाएगा, cos 2t की पावर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट में 3 sin² t cos t प्लस, ये तो सेम एज इट इज आएगा ऊपर वाला न्यूमरेटर, sin³t sin² t, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक साथ हो जाएंगे, तो dx/dt = अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक cos 2t को भी ओपन करेंगे, ठीक है, और एक sin 2t को भी हम ओपन करेंगे, राइट। तो इसके फॉर्मूलेज हमें पता है, हमें पता है कि यहाँ पर sin और cos ही है, तो हम cos 2t का वही फॉर्मूला लगाएंगे जो किस में आ रहा होगा, sin में आ रहा होगा। तो cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, sin के अंदर 1 - 2 sin² t, ये फॉर्मूला होता है, और sin 2t का तो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज 2 sin t cos t, तो यही दो फॉर्मूलेज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखो इसकी जगह पर आ जाएगा
वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी इंटू थ्री साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा टू साइन टी कॉस टी। ओके अब चलिए नेक्स्ट नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इन दोनों को एक साथ कर देंगे वन बाय टू प्लस वन बाय टू सॉरी वन बाय टू प्लस वन तो कॉस टू टी की पावर कितनी हो जाएगी थ्री बाय टू। ठीक है वन बाय टू प्लस वन इसकी पावर कितनी होगी थ्री बाय टू। नेक्स्ट डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन बच रहा है अब दोनों में से साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक है यहाँ पर भी देखो साइन क्यूब है और यहाँ साइन स्क्वायर तो साइन की पावर फोर हो गई। ठीक है तो यहाँ दोनों से मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ साइन स्क्वायर टी ठीक है इंटू कॉस टी। एक मिनट साइन स्क्वायर की बजाय हम सिर्फ साइन टी कॉमन लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ बचे। कैसे आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन टी कॉस टी कॉमन ले लो अंदर क्या बचेगा, अब यहाँ आ जाएगा ये तो सेम रहेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी। ठीक है यहाँ पे क्या आएगा थ्री साइन टी ठीक है प्लस साइन क्यूब टी और ये टू है ना एक टू भी है यहाँ पे ये टू है क्योंकि ये तो बाहर आ ही गया राइट और नीचे है आपके पास कॉस टू टी की पावर थ्री बाय टू। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा फाइनल ये हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये हो जाएगा थ्री साइन टी माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स साइन क्यूब टी प्लस टू साइन क्यूब टी। ठीक है ये तो अंदर मल्टीप्लाई कर ये एज इट इज़ रहेगा और डिवाइड में ये आएगा जो था एज इट इज थ्री बाय टू। अब नेक्स्ट में देखिए साइन टी डॉट कॉस टी एज इट इज थ्री साइन टी एज इट इज प्लस माइनस माइनस क्यूब क्यूब है तो क्यूब क्यूब को सॉल्व करेंगे तो माइनस फोर माइनस टू सॉरी सिक्स माइनस टू फोर आ जाएगा साइन क्यूब टी डिवाइड में कॉस टू टी की पावर थ्री बाय टू। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है साइन थ्री टी का वो क्या होता है थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। ये आपको मैंने याद करवाया था कैसे 3143 करके 31 मतलब कि यहाँ साइन की पावर 1 है 43 यानी कि 4 यहाँ 3 की पावर यहाँ ये साइन 3t का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही कॉस 3t का फॉर्मूला क्या होता है 41 और उसका उल्टा हो जाता है 43 31 उसका पहले आ जाता है 43 31 उसका ऐसे आ जाता है। ठीक है तो वही आगे हम सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ तो लिख देंगे हम साइन 3t डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू साइन टी कॉस टी इंटू यहाँ आ जाएगा साइन थ्री टी डिवाइड में कॉस टू टी की पावर थ्री बाय टू। तो ये सारा का सारा हमने अभी तक क्या निकाला है सिर्फ डी एक्स बाय डी टी निकाली है ये फर्स्ट इक्वेशन आई है। ठीक है तो अभी तक हमने सिर्फ ये सॉल्व किया है डी एक्स बाय डी टी ध्यान से देख लीजिए इसे। ठीक है अब हम सॉल्व करने वाले हैं वाई के लिए, तो y के लिए क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है और इसको भी हम क्या कर देंगे इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं cos क्यूब t अपॉन में cos 2t की पावर 1 बाय टू और यहाँ पर भी क्या लगेगा ये वाला रूल लगेगा। ठीक है क्योंकि ये भी किस में है डिवीजन में है तो करेंगे dy वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर।
ठीक है आगे चलो, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब इसको फास्ट फास्ट करेंगे बिकॉज वही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने पहले डी एक्स बाई डी टी में हमने फॉलो करे थे, तो इसलिए हम इसको फास्ट फास्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा कॉस टू टी की पावर वन बाई टू एज इट इज. अब इसका डिफ्रेंसिएशन इस वाले मेथड से निकलेगा, थ्री कॉस थ्री माइनस वन डेट इज टू, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू कॉस स्क्वायर टी और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस टी फिर से आ जाएगा. ठीक है, माइनस कॉस क्यूब टी एज इट इज, इसके लिए क्या हो जाएगा वन बाई टू नीचे, कॉस टू टी की पावर वन बाई टू माइनस वन दैट इज माइनस वन बाई टू एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस टू टी फिर से आ जाएगा. ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो यही चल रहा है, कॉस टू टी की पावर टू से टू कैंसिल वन आ गया. क्लियर, नेक्स्ट देखिए, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, ठीक है, इंटू थ्री कॉस स्क्वायर टी. अब कॉस टी की जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या आती है, माइनस साइन टी, तो माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम साइन टी और टी की फिर से करेंगे वो वन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है. फिर माइनस बीच में कॉस क्यूब टी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा वन बाय टू और ये आ जाएगा इंटू वन अपॉन में कॉस टू टी की पावर वन बाय टू, क्योंकि माइनस है नीचे आ जाएगा, इंटू कॉस टू टी की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी माइनस साइन टू टी और टू टी की डिफ्रेंसिएशन फिर से जैसे हमने यहाँ पे की थी, कॉस टू टी की दी थी तो वो साइन थी, ठीक है, और फिर से टू टी की दोबारा करी थी तो हमने क्या आई थी टू बाहर आ गया था, तो इंटू टू एक और लग जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो अब क्या होगा, टू से टू कैंसिल, फाइनल क्या आएगा डी वाई बाई डी टी, सॉरी इसके डिनोमिनेटर में कॉस टू टी चलता आ रहा है ये भूलना नहीं है. ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो क्या आएगा, माइनस कॉस टू टी की पावर वन बाय टू, ठीक है, थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी अपॉन में कॉस टू टी की पावर वन बाय टू और इस पूरे के डिनोमिनेटर में कॉस टू टी. ठीक है, अब फिर से वही स्टेप करेंगे, ऊपर वाले का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो ले लो एलसीएम, क्या आ जाएगा कॉस टू टी की पावर वन बाय टू और सबके डिनोमिनेटर में टू कॉस टू टी तो चल ही रहा है. ठीक है, तो हमने न्यूमिनेटर का एलसीएम लिया, तो जब इसका एलसीएम लिया तो इसका वन बाय टू वन बाय टू वन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस टू टी डॉट थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस, ये तो सेम ही है, ये एज इट इज आ जाएगा कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी. ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, इसको भी ओपन करेंगे, कॉस टू टी को भी ओपन करेंगे, साइन टू टू की वो ओपन करेंगे यही वाले सेम फॉर्मूला से, यही दो फॉर्मूलाज हमने पहले स्टेप में यूज़ करे थे, इन्हीं फॉर्मूला से इसको ओपन करेंगे. तो यहाँ हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी इंटू थ्री कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू की जगह टू साइन टी कॉस टी. ठीक है, एंड डिवाइड में ये दोनों की पावर वन बाय टू प्लस वन, ये क्या आ जाएगी वन बाय टू प्लस वन थ्री बाय टू. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इसमें से भी साइन टी कॉस टी कॉमन, इसमें से भी साइन टी कॉस टी कॉमन, क्या आएगा फाइनल में ले लेते हैं साइन टी कॉस टी कॉमन ले रहे हैं और माइनस भी कॉमन ले रहे हैं ये वाला माइनस. ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी. ठीक है, साइन टी कॉस टी कॉमन आ गया तो यहाँ बचा थ्री कॉस स्क्वायर टी. ठीक है, वन मोर थिंग, देखो यहाँ पहले वाले में हमने साइन का फॉर्मूला लगाया था. ठीक है, पहले वाले में हमने यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाया था कॉस टू टी की जगह पे, सो दैट हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए, साइन में सारे आ जाए तो ताकि साइन थ्री टी बन जाए फॉर्मूला. यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे कॉस टू टी का, हम कॉस में लगाएंगे,
cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos square t minus 1, ये वाला लगाएंगे ताकि अंदर के सारे cos में आ जाए, ताकि cos 3t का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो cos 2t की जगह हम लिखेंगे 2 cos square t minus 1, यहाँ लिखेंगे हम 2 cos square t minus 1, यहाँ पर भी सेम लिखेंगे 2 cos square t minus 1। तो इस स्टेप को मैं नेक्स्ट में फिर से लिख रही हूँ। तो यहाँ से हम करेंगे अब dy by dt, कॉमन लेंगे हम sin t cos t, और वो भी माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2 cos square t minus 1 into 3, एक cos t बचेगा सिर्फ, ठीक है। एक तो बाहर आ ही गया, प्लस ये तो बाहर आ ही गया आपके पास, 2 बचेगा एक, और cos cube t बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या है आपके पास, cos 2t की पावर 3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, dy by dt is equals to minus sin t cos t as it is, ठीक है। अंदर अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 2 6 cos cube t, ठीक है, minus 3 cos t plus 2 cos क्यूब टी, डिवाइड में cos 2t की पावर 3/2 एज इट इज, फिर से माइनस sin t cos t एज इट इज, ये हो गया आपका 4, एक मिनट, एक चीज और, जब आपने माइनस कॉमन लिया है इस टर्म से, ठीक है, जब आपने इस पूरी टर्म से माइनस साइन टी कॉस टी कॉमन लिया है, तो एक तो ये बाहर माइनस कॉमन आया, तो यहाँ आते आते ये प्लस जो होगा वो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो जब आपने माइनस साइन टी कॉस टी कॉमन लिया, एक तो ये बाहर माइनस का आई है, तो अंदर के जो प्लस है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा, नाउ 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी। अब ये फॉर्मूला किसका था, डिवाइड में ये एज इट इज रहेगा, अब ये फॉर्मूला किसका था, कॉस 3t का, 43 31, है ना, 43 31, इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला याद किया था। तो यहाँ हम डायरेक्ट पुट कर देंगे कॉस 3t, dy by dt इज इक्वल्स टू माइनस साइन t कॉस t, यहाँ आ जाएगा कॉस 3t डिवाइड में cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। नाउ हमें क्या चाहिए, dy by dx चाहिए, तो ये आ गई इक्वेशन सेकेंड आ गई, ठीक है, जहाँ हमने dx by dt निकाला था वो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन थी, ठीक है, और ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सो डिवाइडिंग 2/1, तो dy by dt अपॉन में dx by dt इज इक्वल्स टू, ये लिख दो, माइनस साइन t cos t into cos 3t डिवाइड में cos 2t की पावर 3/2, डिवाइड में ये आएगा आपके पास sin t cos t sin 3t अपॉन में cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे, cos 2t की पावर 3/2, दोनों का सेम है, ये कैंसिल कर दिया, sin t से sin t, cos t से cos t, ठीक है, यहाँ से dt से dt, यहाँ बचा dy by dt, सॉरी dy by dx, यहाँ बचा माइनस का, और यहाँ बचा cos 3t, नीचे बना sin 3t, तो cos by sin क्या होता है, cot होता है, तो dy by dx हो जाएगा माइनस का cot 3t, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा पहले x को सॉल्व करा है, ठीक है, x को पूरा हमने सॉल्व किया यूजिंग डिवाइडिंग रूल, ठीक है, वो रूल यूज़ करा, उसके बाद हमने उसको सॉल्व करा, सॉल्व करने का मेथड आप ध्यान से देखेंगे एक बार, हमने पहले इसको सॉल्व करा, ठीक है, फिर एलसीएम लिया, फिर cos 2t का फॉर्मूला लगाया, sin 2t का फॉर्मूला लगाया, ये कॉमन लिया, जो अंदर बचा उसमें से उसको सॉल्व करके sin 3t का फॉर्मूला आया, ऐसे ही y के लिए सॉल्व करा,
ठीक है, उसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करके सेम प्रोसीजर रहा, और लास्ट में जो हमने सॉल्व करा तो आपके पास cos 3t sin 3t आया, जिसका लास्ट में आया माइनस cot 3t। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब करते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में भी क्या है, x आपको दे रखा है, y आपको दे रखा है, और dy by dx फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगेन आप देखिए, x के अंदर आपको वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है, t, राइट, t इज द वेरिएबल। तो हम ऐसे ही करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू t, t इज अ वेरिएबल। तो करो dx by dt इज इक्वल्स टू, अब देखो ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी टी ऑफ दिस कंप्लीट टर्म बनेगा, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे कॉस टी प्लस लॉग टैन टी बाई टू, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है अब आपको। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स बाई डी टी रहेगा, ए एज इट इज रहेगा, अब इनको अलग अलग सेपरेट सेपरेट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस टी प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग टैन टी बाय टू, ठीक है। नेक्स्ट में ए एज इट इज रहेगा, नाउ व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस, दिस इज माइनस साइन टी, और t का दोबारा करेंगे t की रिस्पेक्ट में वो 1 आ जाएगा, चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। नेक्स्ट में अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझना, जब कभी भी यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होता है log x का तो क्या आ जाता है, 1/x, ठीक है। ऐसे ही डिफ्रेंसिएशन होगा अगर यहाँ पर log t का, तो क्या आ जाएगा, 1/t आ जाएगा t की रिस्पेक्ट में। यहाँ पर t की रिस्पेक्ट में है लेकिन यहाँ पर tan t by 2 है, ठीक है, तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग टैन टी बाय टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन टी बाय टू हो जाएगा। नाउ दिस इज नॉट टी, क्योंकि अगर यहाँ पर टी होता तो डी टी बाय डी टी करते वो कैंसिल होके क्या आ जाता, 1 आ जाता, तो सिर्फ 1/t ही बचता है। यहाँ पर भी x है तो डी एक्स बाय डी एक्स करेंगे, दोबारा से करेंगे तो कैंसिल होके 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पर t नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा बिकॉज ये t नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, log t का डिफ्रेंसिएशन 1/t, बट t नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan t by 2, एंड इट इज़ नॉट ओनली t, सो इसीलिए इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार फिर होगा। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं आप dx by dt is equals to a minus sin t plus 1 upon में tan t by 2। Now what is the differentiation of tan t? Tan का differentiation क्या होता है, हमने पढ़ रखा है dx by ये होता है, tan x का differentiation क्या होता है, secant square x होता है, है ना। तो ऐसे ही differentiation of t की respect में tan t का क्या हो जाएगा, secant square t। अब यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर t by 2 है, तो इसीलिए क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टैन टी बाई टू कितना हो जाएगा, एक तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर टी बाई टू, अब यहाँ टी नहीं है, टी बाई टू है, इसलिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी बाई टू एक बार फिर होगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैन टी बाई टू का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, एक तो आएगा सीकेंट स्क्वायर टी बाई टू, एंड टी बाई टू का डिफ्रेंसिएशन फिर से होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब dx by dt is equals to minus, sorry, यहाँ a है, minus sin t plus 1 upon tan t by 2 into secant square t by 2। अब differentiation of t by 2 क्या होगा, देखो differentiation of x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ऐसे ही डिफ्रेंसिएशन ऑफ t का क्या होगा, t n t की पावर n माइनस 1। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ t बाय 2, तो t बाय 2 क्या है, 1/2 कांस्टेंट है, और t का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 t की पावर 1 माइनस 1 0, तो ये आएगा सिर्फ 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर t by 2 का डिफरेंशिएशन में आएगा ओनली 1/2, क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास
dx by dt है, ठीक है, यहाँ पर secant है, यहाँ पर tan है और यहाँ sin है, तो हम क्या करते हैं इसको ना कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं sin cos के अंदर, तो क्या बनेगा आपके पास, a as it is रखते हैं, first term as it is रखते हैं, इसको tan को अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ तो tan क्या होता है sin by cos, तो cos ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा cos t by 2 डिवाइड में sin t by 2, ये हो जाएगा। और यहां से अगर मैं देखूं secant, secant किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो यहां मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में cos स्क्वायर t by 2 और 1 by 2 तो ऊपर चलता ही आ रहा है, राइट right? अब देखो, अब यहां से एक cos t और एक स्क्वायर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर a as it is minus sin t as it is plus यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन, एक तो 2 है ही, ठीक है, तो 2 sin t by 2 और एक स्क्वायर था, एक कैंसिल हुआ तो cos t by 2 ये बचेगा। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, ऐसे ही sin 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin t cos t, ठीक है, अगर मैं सबका हाफ कर देती हूँ, एंगल का हाफ करती हूँ, तो यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 sin t by 2 cos t by 2 किसका फॉर्मूला बन रहा है sin t का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट sin t लिख सकते हैं, है ना, तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले की एनालॉजी से हम इसको लिख सकते हैं sin t, तो ये हो जाएगा dx by dt a minus sin t plus 1 upon में sin t, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, sin t एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा माइनस का sin square t plus 1, ठीक है, अब हमें पता है कि हमने पढ़ रखा है sin square theta plus cos square theta equals to 1, ऐसे ही sin square t plus cos square t equals to 1, तो cos square t क्या हो जाएगा 1 minus sin square t, तो यहाँ पर देखो 1 minus sin square t को हम क्या लिख सकते हैं cos square t, तो लिख दो यहाँ पे a cos square t by sin t, ठीक है, तो आपने dx by dt फाइनली ये निकाल के रख लिया है, दैट इज dx by dt आपके पास आ चुका है a cos square t by sin t, ठीक है, तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, अब हमने निकालना है dy by dt, ठीक है, तो अब y आपको दे रखा है क्या a sin t दे रखा है, अब यहाँ पर ये y है वेरिएबल t है तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो करो dy by dt इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ a sin t, नाउ a इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d by dt ऑफ sin t, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो dy by dt इज इक्वल्स टू a साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, और टी का दोबारा से टी की रिस्पेक्ट में करेंगे वो वन आ जाएगा, चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है, तो डी वाई बाई डी टी फाइनल आंसर आ गया ए कॉस टी, तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, निकालना क्या है आपको डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गई सेकेंड, ये हो गई एक्स, तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग टू बाय वन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी आया है आपके पास ए कॉस टी, डी एक्स बाई डी टी है ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी, ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी, ठीक है, यहाँ से डी टी कैंसिल हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो ए कॉस टी अपॉन में ए कॉस स्क्वायर टी और ये साइन टी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ए के से ए कैंसिल हो जाएगा, ए कॉस से ए कॉन्सल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन टी, नीचे स्क्वायर में कॉस था तो एक कॉस बच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में आ गया साइन टी अपॉन कॉस टी, और साइन बाई कॉस क्या होता है टैन होता है, तो यहाँ हम फाइनली लिख सकते हैं टैन टी, दिस इज योर
आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से आपने फाइंड किया। तो वाई तो बहुत ईजी था, ठीक है, थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन किया है एक्स को फाइंड करने में, डी एक्स बाई डी टी को फाइंड करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है। पहले सेपरेट किया, कॉस का लिखा, फिर लॉग के लिए वन बाय लॉग और इसका डिफ्रेंसिएशन किया, इसका करने के बाद फिर से टी बाई टू का डिफ्रेंसिएशन किया, इसको सॉल्व करा, फिर हमने देखा टैन और सीकेंट को कॉस साइन में कन्वर्ट कर दिया, जो कैंसिल हो रहा था हो रहा था, उसके बाद ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला बनते ही हमने इसकी जगह पे लिख दिया साइन टी, एलसीएम लिया, यहाँ से आपके पास एक और आइडेंटिटी लगी और आ गया कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। बस ये मेन चीज़ थी, दो चीज़ें थी यहाँ पर मेन, एक तो इनका कन्वर्जन और एक यहाँ पर ये आइडेंटिटी। तो ये दोनों पे मैं स्टार लगा देती हूँ इन दो स्टेप्स पे, एक ये स्टार है, तो ये दो स्टेप्स ध्यान में रखेंगे, बाकी तो सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब यहाँ अगेन आपको x दे रखा है और यहाँ पर आपको y दे रखा है, अगेन आपको फाइंड क्या करना है, dy वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे x ये दे रखा है, इसके अंदर a तो कांस्टेंट ही है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में t वेरिएबल था, यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, करो स्टार्ट। डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए सेकेंड थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ए डी सेकेंड थीटा अपॉन में डी थीटा, ठीक है। अब याद करिए सेकेंड जो था वो क्या था, डी बाई डी थीटा ऑफ सेकेंड थीटा की क्या डिफ्रेंसिएशन था, दैट वॉज सेकेंड थीटा टैन थीटा, ऐसे ही टैन थीटा का क्या डिफ्रेंसिएशन था, उसका था सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में करवा रखे हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैंने आपको डिफ्रेंसिएशंस लिखवाई हुई हैं और आपको बताया उनको आपने लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सेकेंड थीटा की डिफ्रेंसिएशन लिखेंगे, दैट इज सेकेंड थीटा इंटू टैन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए और इसकी हो जाएगी सेकेंड थीटा टैन थीटा, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमने क्या सॉल्व करना है, वाई सॉल्व करना है, राइट और y के लिए भी क्या है आपके पास, वेरिएबल थीटा है, तो यहाँ पे भी यही करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ b tan थीटा, b इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, सिर्फ tan थीटा का, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन मैंने अभी अभी आपको बताया, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो करेंगे हम डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू बी एज इट इज, टैन का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू है बी सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है। अब डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल, बी बाई ए इंटू ये बचा आपके पास ऊपर सीकेंड थीटा, नीचे बचा टैन थीटा, ठीक है। आप अपना आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको फर्दर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ये देखो ऐसे b बाई ए एज इट इज, सीकेंड को आप क्या लिख सकते हो, वन बाय कॉस थीटा इंटू टैन को आप क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस, तो साइन थीटा बाय कॉस, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचा, b बाय ए इंटू वन बाय साइन थीटा, ठीक है। एंड वन बाय साइन क्या होता है, कॉसिकेंट होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनल आंसर क्या आया, b बाय ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट थीटा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, बस आपको थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेट करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके एक प्रॉपर आंसर ला कर देना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 9th, चलिए करते हैं क्वेश्चन 10th। तो अब ये है क्वेश्चन 10th, इसके अंदर भी आप देख सकते हो x के अंदर ये थीटा और ये थीटा वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
करो स्टार्ट, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर कर देते हैं, डी बाय डी थीटा ऑफ दिस कंप्लीट टर्म दैट इज कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमें इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, डी बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू ए ऐसे, और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा अपॉन में डी थीटा एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू ए एज इट इज, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का दोबारा से करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, वो वन आ जाएगा चाहे लिखो चाहे ना लिखो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब आपके पास दो फंक्शंस हैं, थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब दो फंक्शंस होते हैं आपके पास और उनको आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है तो कैसे करते हैं, यू वी क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का। तो लिखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर, नेक्स्ट देखो, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज माइनस साइन थीटा एज इट इज प्लस थीटा एज इट इज। नाउ व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस प्लस साइन एज इट इज एंड डी थीटा बाय डी थीटा दैट इज वन, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अब देखिए, प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कैंसिल, फाइनल डी एक्स बाय डी थीटा क्या आ चुका है, बाहर ए है, यहाँ पर क्या है थीटा और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, अब हम करते हैं, फाइंड करते हैं वाई के लिए। ओके, अब वाई में भी क्या है, थीटा ही है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो करो डी वाई बाय डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाय डी थीटा ऑफ दिस कंप्लीट टर्म दैट इज साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, डी वाई बाय डी थीटा, ए बाहर, अब पहले साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा कॉस थीटा, राइट। यहाँ आ जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू ए एज इट इज, व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा, सिंपल कॉस थीटा, और थीटा का रिस्पेक्ट में थीटा करेंगे तो वन आएगा चाहे ना लिखो, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाहर प्लस था, यहाँ हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर भी दो फंक्शन है, वन फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसा लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, राइट। आगे चलो, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए एज इट इज कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, अब बाहर निकालेंगे थीटा एज इट इज, व्हाट इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा दैट इज माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। अब ये बाहर आएगा तो माइनस आएगा कॉस थीटा एज इट इज, ठीक है, और थीटा का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा। अगेन प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, एक ए है एक थीटा है और एक साइन थीटा है, तो ये आ गए आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है आपको, आपको सिंपल इनका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन टू बाय वन। तो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है ए थीटा साइन थीटा, यहाँ क्या है ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, यहाँ पर डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस विच इज इक्वल्स टू टैन, ये हो जाएगा टैन थीटा, दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th, इसके अंदर सिर्फ मेन क्या था, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, दैट्स इट, बाकी सब सिंपल था। तो ये था क्वेश्चन 10th, चलिए करते हैं क्वेश्चन 11th। सो नाउ क्वेश्चन 11th इज इम्पॉर्टेंट
ध्यान से करेंगे, वेरी लगा देते हैं साथ में. अब दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, आपको ये प्रूव करना है. तो यानी कि आपको आंसर ऑलरेडी दे रखा है, माइनस वाई बाई एक्स आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात ये एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर है टी. तो हम डायरेक्ट कर सकते थे डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बट कैसे करेंगे. यहाँ पर एक तो रूट आ रहा है, एक ए आ रहा है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, फिर उसका रूट, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि हाँ इसमें पहले हम डी डी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे लॉग लगा के, फिर साइन करेंगे, तो बहुत बड़ा बन जाएगा. तो इससे अच्छा हम क्या करें, डायरेक्ट लॉग लेते हैं. ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा होता है, वहाँ पर हम डायरेक्ट लॉग लेते हैं, फिर हम निकालते हैं, राइट. तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, पहले तो लॉग ले लेंगे हम, ठीक है. तो क्या होगा, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए साइन इनवर्स टी की पावर वन बाई टू, पहले तो ये आएगा आपके पास, ठीक है. फिर क्या होता है, अगर यहाँ पर लॉग की आइडेंटिटी लिखो, क्या होता है, लॉग एम की पावर एन, क्या होता है, एन लॉग की पावर एम, ये होता है. तो कर दो पहले तो इसको, यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स, ये हो जाएगा वन बाई टू लॉग ए साइन इनवर्स टी, ठीक है. अब ये वन बाई टू तो कांस्टेंट है, नीचे आ गया. अब यहाँ फिर से यही फॉर्मूला बन रहा है एम की पावर एन का, तो यहाँ फिर से ये वाला दोबारा फॉर्मूला लगेगा नेक्स्ट स्टेप में. तो क्या लिखेंगे हम, log x इज इक्वल्स टू वन बाई टू, तो नीचे कर ही दिया. अब साइन इनवर्स टी को फिर से नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास log a, ये फॉर्मूला लगा आपके पास, log m की पावर n, n log m, यही फॉर्मूला दोबारा लगा. तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगा है और यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगा है, ठीक. चलिए अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसकी रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में, ठीक है, टी ही वेरिएबल है ना यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी. तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई टू, कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी लॉग ए, क्लियर. आगे चलते हैं. अब देखो, मुझे पता है अगर डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वन बाई एक्स आता है, लेकिन अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में करूँगी तो क्या आएगा, एक बार वन बाई एक्स तो आएगा ही आएगा, और डी एक्स बाई डी टी भी आएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा, क्योंकि यहाँ अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कैंसिल होकर वन हो जाता है ना, यहाँ करूँगी तो मैं डी एक्स बाई डी टी तो रहेगा ही रहेगा. तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वन बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वन बाई टू एज इट इज. अब देखो यहाँ पे एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, ये सोचने की गलती मत करना, क्यों, बिकॉज लॉग ए जो है वो क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ए इज अ कॉन्स्टेंट. मान लो टू हो गया, टेन हो गया, तो उसका लॉग, उसकी भी तो वैल्यू एक कॉन्स्टेंट ही आएगी ना, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन. तो इसको हम लॉग ए को एज इट इज रखेंगे बाहर, और डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे सिर्फ किसका, साइन इनवर्स टी का, क्लियर, ठीक है. तो ये हो जाएगा वन बाय एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वन बाई टू लॉग ए, ये तो पूरा कॉन्स्टेंट हो गया. नाउ अब यहाँ पे आपके पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या पड़ा था, वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पर क्या है, टी के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी. तो यहाँ हम लिखेंगे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है. अब डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये एक्स इधर आ जाएगा, इन टू वन बाई टू लॉग ए इन टू वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है. और एक्स है क्या, ये है एक्स, लिख दो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी इन टू वन बाई टू
log a into 1 upon under root 1 minus t square. ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है, राइट right? तो ये आ गया आपके पास dx by dt, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे. तो सेकेंड इक्वेशन के लिए आपके पास क्या है, y. ठीक है, तो ये लो y equals to under root a cos inverse t. ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग log on both sides. तो log लो, ये हो जाएगा log y equals to log a की पावर cos inverse t की पावर 1/2. ठीक है, अब यहां पर भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, log m की पावर n एंड log m. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, ये हो जाएगा 1/2 log a की पावर cos inverse t, राइट. अब नेक्स्ट में फिर से यही फॉर्मूला लगेगा कि a की पावर cos inverse t है, तो वही लगेगा n log m. तो इसको भी हम नीचे लेकर आएंगे जैसे पहले स्टेप में किया था. तो ये हो जाएगा log y equals to 1/2, दिस इज cos inverse t एंड साथ में आ जाएगा log a. ठीक है, तो इन दोनों में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, log m की पावर n एंड log m, ये फॉर्मूला लगा दोनों के अंदर. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. तो करो d by dt ऑफ log y, 1/2 कांस्टेंट बाहर, d by dt ऑफ cos inverse t into log a. ठीक है, अब यहां पर भी क्या होएगा, 1/y dy by dt जैसे हमने x में किया था इज इक्वल्स टू 1/2. अब दिस इज नॉट टू फंक्शंस, अगेन log a क्या है, कांस्टेंट है, तो log a तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका बचेगा, cos inverse t का. ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखेंगे 1/y dy by dt इज इक्वल्स टू 1/2 log a. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos inverse t, साइन का ये होता है और cos inverse x के लिए क्या आ जाता है, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, सिर्फ माइनस आ जाता है. अब यहाँ t है तो यहाँ पे हम tt लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर. ठीक है, फिर dy by dt इज इक्वल्स टू y इधर चला जाएगा और y की वैल्यू है क्या, ये, तो डायरेक्ट लिख देंगे अंडर रूट a cos inverse t into 1/2 log a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy by dx. तो करो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1. तो 2/1 क्या हो जाएगा, dy by dt अपॉन dx by dt. तो dy है क्या आपके पास, ये है, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट a cos inverse t 1 अपॉन में 2 log a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर. एंड dx क्या है, ये आपने अभी भी निकाला था, ये था फर्स्ट इक्वेशन, ये लिख दो अंडर रूट a sin inverse t 1/2 log a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, ये पूरे से कैंसिल हो रहा है, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो रही है, ऊपर एक तो माइनस बच रहा है और यहाँ आ रहा है अंडर रूट a cos इनवर्स t और नीचे आ रहा है अंडर रूट a sin इनवर्स t और यहाँ से dt कैंसिल, ये आ गया dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये कॉस इनवर्स टी अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी. ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था माइनस वाई बाई एक्स, तो लेकिन तो ये आ रहा है, तो देखो क्या है, ये पूरी वैल्यू वाई की है और ये पूरी वैल्यू एक्स की है. ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ माइनस वाई अपॉन एक्स, दिस इज योर आंसर, हैंस प्रूफ्ड. यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड.
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज. थैंक यू.